আসানসোলের জামুরিয়া থানার চাঁদা মোড়ে এক বেসরকারি স্কুলে ফি মকুবের দাবিতে অভিভাবকেরা বিক্ষোভ দেখান। অভিভাবকদের বক্তব্য, সরকার লকডাউনের সময় সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলে ফি বৃদ্ধি না করার জন্য অনুরোধ করেছেন, কিন্তু চাঁদা মোড়ের এই স্কুল সমস্ত অভিভাবকদের ফি বৃদ্ধির নোটিশ পাঠিয়েছে, আর তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকেরা, আবেদন করেন ফি মকুবের। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক জানান, ফি মকুব করার জন্য আবেদন করতে বলা হয়েছে এবং তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে, তারা যা সিদ্ধান্ত নেবে তারপরেই তাদেরকে জানানো হবে। हमारे पेरेंट्स की सुविधा के लिए हमने डिस्काउंट दिया हुआ है, जो कि डिस्काउंट की सुविधा पेरेंट्स ले भी रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ कुछ पेरेंट्स आ रहे हैं जिनकी इनकम रुक गई है या फिर कम गई है। अभी रिसेंटली कुछ पेरेंट्स आए, उन्होंने अपनी समस्या हमें बताई। हमने पेरेंट्स को यही बोला कि आप अपनी समस्या लिखित रूप में जमा करिए, तो स्कूल मैनेजमेंट उसके बारे में कुछ विचार करके कुछ रिप्लाई या कुछ रिस्पॉन्स दे पाएगा। फिलहाल तो यही स्टेटस है। तो मतलब आप लोग हाई लेवल में बात करेंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन आएगा? अब कोई भी डिसीजन एक दिन में तो लिया नहीं जा सकता ना। जो प्रॉब्लम अगर गार्जियन अभी मौखिक और ओरल रूप से बता रहे हैं, अगर लिखित रूप से दें और हम लोग उस पर विचार करेंगे, अभी फिलहाल में यही कह सकते हैं।